नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही विपक्ष इसे विभाजनकारी कानून बताने में लगा है। विपक्षी दलों के जरिए मिलकर बने इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही विपक्ष से विभाजनकारी कानून बताने में लगा हुआ है। विपक्षी दलों के जरिए मिलकर बने इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए को रद्द कर देंगे। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए को पलटना असंभव है, ये संवैधानिक कानून है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा, हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है क्योंकि इसे वोट बैंक को मजबूत करना है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने अभी तक जो भी कहा उसे पूरा नहीं किया, हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो सीएए को वापस लेंगे। वो इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। सीए को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लेकर आई है, सीए को रद्द करना असंभव है, ये पूरी तरह संवैधानिक और वैध कानून है। नेशनल डेस्क, टोटली।